अपनी पानी की किसी भी तरह की मोटर को ऑटोमेटिक कराने के लिए हमसे इस दिए गए नंबर पर रابطہ करें, शुक्रिया। ऑटोमेटिक की जानिब से हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये मोटरों का ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपकी मेन लाइन में पानी आएगा, मोटर आपके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये हम एक ही ऑटोमेटिक से दो दो मोटरें कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों मोटरों से मुराद ये कभी पानी आ रहा है, ये पानी की लाइट जल रही है, मोटर ऑन है, सिस्टम आपका एक्टिव है। ये हमने रिले लगाई है जो दो मोटरों को एक साथ कंट्रोल कर रही है, और ये इसके मेन स्विचेज हैं। ये मेन स्विचेज ऑन रहेंगे इसके, आपकी ये दोनों मोटरें ऑटोमेटिक हो गई हैं। अब पानी भी आ रहा है लाइन में, जब टैंक भर जाएगा मोटर बंद हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमने एक साइड पर लगाया है, गुलशन साइड पर। ये इसका एयर सेंस आ गया आपका यहाँ पर, और ये आपकी मोटर अभी बंद है। क्यों? अभी पानी नहीं आ रहा, इस वजह से मोटर आपकी बंद है। आपका मेन स्विच है, इस मेन स्विच को आप ऑन रखेंगे, पावर की लाइट आती रहेगी। इसका मतलब सिस्टम आपका एक्टिव है, अपनी वर्किंग करता रहेगा। ये स्विच होता है मैनुअल का। अगर इस स्विच को आपने नीचे कर दिया तो मोटर आपकी डायरेक्ट हो जाएगी, ऑटो से हट जाएगी। ये रीस्टार्ट स्विच है, ये चेकिंग के लिए होता है। वैसे इसको पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये रेड स्विच आपने दबाया, मोटर आपकी स्टार्ट हो गई। ये इसके ऊपर ये जो लाइट है, ये रेड कलर की लाइट आती है जब पानी आता है, और ये टैंक फुल की लाइट आती है। अच्छा, और ये अभी जिस तरह मोटर चल रही है, अभी पानी मिल गया तो ये चलती रहेगी, नहीं तो दो मिनट के बाद ये खुद ही बंद हो जाएगी अपने टाइम से। वैसे स्विच को पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपका आ जाता है एयर सेंसर, यहाँ पे हमने एयर सेंसर बना दिया है इसका। तो जैसे ही मेन लाइन में आपकी एयर आएगी, मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। पानी आना बंद हो जाएगा, मोटर आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी।